रतन टाटा के शर्ट में जेब क्यों नहीं है और हमारे मुंह के अंदर ये घंटी क्यों होते हैं? क्या आपको पता है जूम ऐप का आविष्कार क्यों किया गया और इसके पीछे का राज क्या है? दोस्तों वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नंबर वन, क्या आपने सोचा है कि हमारे मुंह के अंदर ये घंटी क्यों होती है? वेल दोस्तों जानते हैं, मुंह के अंदर इस घंटी को वल्वा कहते हैं। यह हमारे शरीर के लिए उतनी ही जरूरी है जितनी की दांत और जीभ। यह हमारे शरीर में चार काम आती है। पहला सलाइवा बनाती है, दूसरा जब हम खाना खाते हैं तो खाना श्वास नली में ना जाए उसे रोकती है, तीसरा काम यह है कि ये बोलने में मदद करती है और गले को सूखने नहीं देती है, और चौथा काम यह है कि नींद में खर्राटे के लिए भी जिम्मेदार होती है। क्या आपने कभी नींद में खर्राटे लिए हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नंबर टू, आपने तो देखा ही होगा कि रतन टाटा के शर्ट में जेब नहीं होते हैं, लेकिन ऐसा क्यों? दरअसल रतन टाटा एक ऐसी उद्योगपति है जो साधारण जीवन जीना पसंद करते हैं, और रतन टाटा का सारा समय इस देश की उन्नति और अपने एम्प्लॉयज की खुशियों के लिए डेडिकेट रहता है, और वो हमेशा फ्री माइंड के साथ कहीं जाते हैं, इसीलिए रतन टाटा बिना जेब वाली कमीज पहनते हैं। और एक बात यह भी है कि रतन टाटा को बिना जेब वाली कमीज का शौक है, जिसकी खरीदारी वह न्यूयॉर्क के ब्रुक्स ब्रदर्स से करते हैं। नंबर थ्री, जिस एप्लीकेशन की मदद से आप बड़े बड़े सेमिनार को ज्वाइन करते हो, बड़े बड़े मीटिंग को ज्वाइन करते हो, उस एप्लीकेशन को गर्लफ्रेंड को देखने के लिए बनाया गया था। जी हाँ दोस्तों, एरिक युआन की गर्लफ्रेंड उनसे दूर गई हुई थी और वह अपने गर्लफ्रेंड को देखना चाहते थे, उसके साथ वीडियो कॉल पर बात करना चाहते थे। तब उनके दिमाग में जूम एप्लीकेशन का आइडिया आया और तब इस छोटे से आइडिया से जूम की शुरुआत हो गई, और आज एरिक युआन ने इस ऐप से हर दिन 297 करोड़ की कमाई कर रहे हैं। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।